हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, उसका लिमिट क्या है, उसका रेंज क्या है, लिमिट मतलब रेंज ही, उसका रेंज क्या है, उसका ग्राफ क्या है। आज हम ड्राइव करेंगे उसी पर बेस्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला होता क्या है? जो चीज़ आप जान रहे हैं उसको एक, मतलब जो चीज बताए हैं या फिर जो चीज जान रहे हैं उसी पर बेस्ड एक नॉर्मल चीज, मतलब सबके लिए वैलिड होता है वो, इसलिए बोल रहे हैं नॉर्मल चीज जो सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे उस टाइप का, उसको बोलते हैं फॉर्मूला। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां होता है जीरो, यहां से यहां 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री मतलब पाई बाय टू। यहां से यहां है तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कहे कि यहां से यहां आ रहा है तो ये कितना होता है? पाई होता है। सॉल्व करिए, पाई आएगा, 2 पाई बटे 2 कट जाएगा, पाई आएगा। फिर यहां से बढ़ेगा कितना? पाई बाय टू, यानी कि पाई प्लस पाई बाय टू, बढ़ा कितना आएगा? 3 पाई बाय 2। अब यहां से फिर पाई बाय टू बढ़ेगा, अब पाई बाय टू बढ़ेगा तो कितना आएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय टू, 4 पाई बाय 2, यानी कि 2 पाई आया ना, 2 पाई। फिर यहां से यहां जाएंगे, फिर पाई बाय टू बढ़ेगा, तो पाई बाय टू बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? मतलब पाई बाय टू किस में बढ़ेगा? 2 पाई में बढ़ेगा, 2 पाई में बढ़ेगा, तो इसी में प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। फिर यहां से पाई बाय टू बढ़ेगा तो 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय टू, 6 पाई बाय 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई। ठीक है, 3 पाई हो जाएगा। फिर यहां से 3 पाई में फिर से पाई बाय टू बढ़ेगा, फिर से 3 पाई बाय 2 बढ़ेगा तो 6 प्लस 7 पाई बाय 2 आएगा। फिर यहां से बढ़ेगा, क्या आएगा? अगर 4 पाई आ जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि ये जो बढ़ रहा है, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, अगला बार कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा। तो यानी कि ये जो जब भी बढ़ेगा तो सम संख्या में बढ़ेगा, तो इसका क्या होता है? सम संख्या, इवन नंबर। तो 2n, तो 2n अरे पाई है तो पाई, n क्या है? इंटीजर है, ठीक है, तो जो n है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। ठीक, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ आते हैं, फिर उधर ऊपर नीचे जाएंगे, यहाँ बढ़ा पाई, फिर बढ़ा 3 पाई, फिर आगे जाएंगे तो बढ़ेगा 5 पाई, बढ़ेगा ना। ये देखिए, जब भी बढ़ रहा है तब बढ़ रहा है ऑड नंबर, यानी कि 2n-1, ठीक है, और ये पाई सब में है इसलिए पाई। जो n है वो कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है। अब ऊपर और नीचे वाला कैसे करिएगा सर? ये तो सम संख्या था, अभी सम संख्या था तो हो गया, मतलब ऑड नंबर था, इवन नंबर था तो हो गया। ऊपर वाला में क्या करना है? 4n-1, ठीक। अगर 1 पुट करते हैं, n = 1, n = 1, तो आएगा 4-1, 3 पाई बाय 2, 4n+1 पाई बाय टू। यहाँ क्या आएगा? 4n+1 बाय पाई बाय टू। तो यहाँ 1 पुट करिएगा तो कितना आएगा? 4+1 5, मतलब 5 पाई बाय 2 आ गया। यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी n जो है
वो इंटीजर से आएगा। ठीक, अब यहां देखिए यहां क्या आएगा, 4n-1, 4n-1 पाई बाय 2, सब में पाई बाय 2 है, इसमें भी पाई बाय 2, इसमें भी पाई बाय 2, इसमें भी सारा में पाई बाय 2 है, इसलिए यहां पाई बाय 2, यहां भी पाई बाय 2। अब इसमें पुट करके देख लीजिए, सारा आ जाएगा, 1 पुट करिएगा तो 3 पाई बाय 2, 2 पुट करिएगा तो 7 पाई बाय 2, 3 पुट करिएगा तो 8, 9 वहां जाएगा, 10, 11 पाई बाय 2 आएगा यहाँ। ठीक है, ये हुआ जनरलाइज फॉर्म। अब इसी से हम लोग फार्मूला करते हैं, तो साइन टू एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, कॉस टू एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बोले ये कैसे लिखा, इतना बताने का मकसद था कि ये कैसे लिखा, तो टू एन पाई प्लस थीटा, टू एन पाई प्लस थीटा, टू एन पाई यहां आता है, इससे आगे जाएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। आगे देखिए कि जो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सारा लिख लेते हैं पहले, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, इसके बाद आता है सेक, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। यहां से फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला है और ये भी अलग फॉर्मूला है। अब देखिए ये तो समझ गए, अब हम इसी फॉर्मूला में n इज इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं, n इज इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं, यानी कि इसमें तो साइन 2 इंटू जीरो इंटू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, नहीं माइनस थीटा, माइनस के लिए ले रहे हैं तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 एन पाई, एन जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो, तो साइन माइनस थीटा आ गया। अब साइन माइनस थीटा जो है 2n पाई से घट रहा है, यानी कि यहां से घट रहा है, अब इस क्वाड्रेंट में आ गए हम, अब इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, तो यहां आ गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2n माइनस 2n पाई माइनस थीटा, तो 2n पाई यहां से नीचे आ रहे हैं तो कॉस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 यहां से नीचे आ रहे हैं तो 10 जो है स्क्वायरेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव होगा, लेकिन सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसीलिए ये भी यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा और कॉसेक नेगेटिव। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एन
पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक सारा। तो यहां का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा प्लस माइनस थीटा, वो एन जब व्हेन एन जब ऑड होगा तब चेंज करेगा, और एन जब इवेन होगा तब नो चेंज। यानी कि जब ये एन ऑड होगा तब चेंज करेगा, और इवेन होगा तब ये चेंज नहीं करेगा। यह है दूसरा फॉर्मूला, ये भी इसी से निकल के आया है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि लेते हैं एन वन लेते हैं, ठीक। वन क्या है, ऑड नंबर है। यहां से इसमें आएगा तो इसमें आएगा तो साइन आर साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जब यहां ऑड है तो ये तो यहां चेंज कर देगा, क्या चेंज करेगा, साइन को कॉस में बदल देगा। अब कॉस का मान देखिएगा इसमें, ठीक है। इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। इसी फॉर्मूला पर बेस्ट दो क्वेश्चन बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ आए। ये क्या है, साइन 765। ये जो एंगल है उसको पहले इस फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा के रूप में। अब इसको तोड़ते हैं, 765 को किससे डिवाइड देते हैं, 90 से। अब बोलेंगे सर 90 का टेबल तो जानते नहीं है, तो लिख लो 9 का। यह है 9 का टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 का टेबल हो गया। इसी के ऊपर 0 बैठा दीजिए, 90 का टेबल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास चाहिए क्या, 765। इसमें है नहीं, इससे कम कौन है, ये है। कितना बार में आ रहा है, तो 8 बार में आ रहा है। क्या आ रहा है, 720, यानी कि 54 साइन, इसको लिख सकते हैं 8 पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 8 पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम, एट क्या है, इवेन है कि ओड, पहले ये देखेंगे। तो एट जो है वो इवेन है, तो इवेन है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये साइन का साइन ही रहेगा। अगर ओड रहता तो साइन से कॉस में चेंज हो जाता, कॉस है कॉस रहेगा तब, और ओड रहेगा तो चेंज हो जाएगा, कोस से साइन में हो जाएगा, टेन से कोट में, मतलब साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आ गया, अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब इसको चेंज करते हैं, कॉस को, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि 1701, इसको चेंज करना पड़ेगा, 9 का टेबल तो मिटा दिए, फिर से लिख देते हैं,
ठीक है, 90 का टेबल। अब इससे किस 90 से किसको भागा देंगे, तो 1710 को। दो बार में कितना जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है तो 171 को, तो एक बार में 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 8, ये 0, फिर कितना बार में आएगा, 9 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, कट गया। अब कॉस जो है वो 19 पाई बाय 2 प्लस कुछ नहीं है, मतलब 0 तो है, 0 डिग्री ये आया। अब यहाँ देखिए 19 ये ऑड है कि इवेन है, तो ऑड है तो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0। ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर, मात्र 3 से 4 लाइन, 3 लाइन में सॉल्व हो गया, ये भी 3 लाइन में सॉल्व हो गया, इस फॉर्मूला से 3 लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब केवल देखना है कि ऑड है कि इवेन है, ऑड आया तो चेंज करेंगे या इवेन आया आएगा तो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, किसको किस में चेंज करना है, तो साइन को कोस में चेंज करना है, टेन को कोट में चेंज करना है, सेक को कोसेक में चेंज करना है, और कोसेक आया तो सेक में, कोट आया तो टेन में, और कोस आएगा तो साइन में। ठीक है, देखिए ये एक्सिस है। ठीक है, अब हम एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर जो होगा वो होगा 0 0 और रेडियस जो होगा वो होगा 1 यूनिट का। तो ये हम सर्कल ले लिए, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ ये है 1 यूनिट का। ठीक, अब जब ये रेडियस यहाँ गया तो इस पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा परपेंडिकुलर लाइन, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स, ये कोऑर्डिनेट 0 0, यहां से यहां गया तो एक्स डिस्टेंस में है, और ये हाइट कितना हो जाएगा, वाई। बोलेंगे का है सर, तो ये यहां से यहां तक का जो दूरी है वो है वाई, तब ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, मतलब इसका बेस ये ट्रेंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, इसको मिला ही देते हैं। ठीक है, मिला दिए, अब ये ट्रेंगल बन गया, ये पूरा ये ट्रेंगल में देखिए बेस कितना है, एंगल तो यहाँ बनेगा, बेस एक्स है और हाइट वाई है, हाइपोटेनस 1 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सबका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। टेन का क्या, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब हाइट बाय हाइपोटेनस, तो वाई बाय 1 इक्वल टू वाई। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, क्या होगा एक्स। टेन वाई बाय एक्स, कॉट एक्स बाय वाई, सेक सेक हो जाएगा 1 बाय एक्स और कोसेक हो जाएगा 1 बाय वाई। ठीक, ये सारा निकल गया। अब देखिए ये जो ट्रेंगल है वो है 90 डिग्री का, इसका मतलब इसमें अप्लीकेबल होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होगा तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहीं से आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो एक्स किसका वैल्यू है, कॉस का, तो कॉस का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब, और वाई किसका वैल्यू है, साइन का प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्या हो गया, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है हम लोग के पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। थर्ड फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहां थ्योरी से यहां तक आए, अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से मतलब जो फॉर्मूला है उसी को प्रूव कर रहे हैं, बात दोनों बराबर है। तो लेते हैं एल एच एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक सेक का वैल्यू वन बाय एक्स स्क्वायर, टेन का वैल्यू वाई बाय एक्स स्क्वायर, क्या होगा वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां वन प्लस वाई स्क्वायर, यहां जब माइनस है तो आप प्लस क्यों ले रहे हैं, पूरा में माइनस आएगा, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, इसके लिए सॉरी गलती से लिख दिए। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए और नीचे एक्स स्क्वायर, ये कटेगा क्या आएगा वन, अरे यही तो मेरा आर एच एस है, प्रूव हो गया। आते हैं थर्ड में, थर्ड में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि वन बाय वाई स्क्वायर, थोड़ा लंबा चल रहा है, एल एच एस ठीक है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट एक्स बाय वाई का स्क्वायर सॉल्व किए तो आया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा तो वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया इज इक्वल टू आर एच एस, आर यही तो प्रूफ है ठीक है। अब देखिए स्क्वायर होगा इधर तो एक्स स्क्वायर, एक लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो, स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर वन, इसका स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एलसीएम लिए वाई स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर ऊपर, इसी को सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया वन ठीक है। अब एक चीज और देखिए, साइन का उल्टा होता है, इधर मिटाते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, हम लोग तो बोल दिए कि नहीं उल्टा होता है होगा, ये तो नहीं पता कैसे होता है, यहां देखिए कैसे होता है, साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है, मतलब वाई बाय वन है, इसको उल्टा कर रहे हैं, यानी कि वन बाय साइन थीटा और वन बाय वाई, इधर भी पलट दिए इधर भी पलट दिए, ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और ये वन बाय वाई आया। फिर देखिए कॉस थीटा क्या है, एक्स बाय वन, इसको उलटिए तो यहां क्या आ जाएगा, सेक थीटा आएगा और ये आ जाएगा एक्स। देखिए मैच करिए वैल्यू, इसको नहीं उलटते हैं हम, वन वन बाय एक्स उलट दिए आ गया। अब देखिए टेन का, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, हमको चाहिए कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ठीक है।